शना हो शना गाती है हो शना गाती है हो शना हाथों में है डालियां गाते हैं हम सना खुदावंद बादशाह है वो जलंदा बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है वो जलंदा बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो जान जलाल दा बादशाह आवे सिर तद ऊंचे करो रब खुदावंद बादशाह है खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। तो मेरे अजीजों हम 5 हफ्तों तक मसीह मोहब्बत के इजहार और खुद नसारी के आमाल से पाशका के भेदों को मनाने की तैयारी करते रहे। आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ हम ये पाक इबादत शुरू करते हैं। मसीह खुदावंद जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल होता है ताकि दुख उठाकर मर कर और जी उठकर हमारी निजात का काम पूरा कर दे। चाहिए कि हम अकीदत के साथ इस मौका को याद करें और ईमान से अपने खुदावंद के हमराह चलें। सलीबी दुखों में उसका साथ देकर हम उसके जी उठने और उसकी नई जिंदगी में भी शरीक होंगे। हम दुआ में अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलक खुदा इन टहनियों को बरकत दे और पाक कर। आज खुशी के साथ इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद हमारा निजात दहिंदा और बादशाह है। बख्श दे कि हम वफादारी के साथ उसकी पैरवी करें और एक दिन नए और अबदी बैतुल मुकद्दस की खुशियां हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। अंजील मुकद्दस हम सुनेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बा मुताबिक मुकद्दस लूका तेरी तमजीद हो उसके 19वें बाप में से। उस वक्त यीशु यरूशलम की राह लेकर आगे आगे चला और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफज्जे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा
के सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर लाओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उससे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है, भेजे हुओं ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो, उन्होंने कहा कि खुदावंद को दरकार है। और वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजदों के सबाब जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगी। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और आलमे बाला पर जलाल। और उस हजूम में से बाज फरीसियों ने उससे कहा क्या उस्ताद अपने शागिर्दों को झिड़क, और उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप भी रहें तो पत्थर चला उठेंगे। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। और मेरे जिज़ों, हमने आज अपनी पाक इबादत का आगाज कर लिया है। अभी हम बड़ी अकीदत के साथ हैकल की तरफ रवाना होंगे। शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं, सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। होशना 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 बताते हैं
जाते हैं।